नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, शिक्षक भर्ती पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। इधर अभ्यर्थियों ने दिया है अल्टीमेटम। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ, झूठ और झूठ की बुनियाद पर ही टिकी है प्रदेश सरकार। 14,580 शिक्षकों की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री मीडिया में झूठ बोल रहे हैं कि भर्ती हो गई। सच्चाई यह है कि चयनित अभ्यर्थी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, तनाव में जी रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 12,000 अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में हैं, जिसके लिए उन्होंने 7 जून का अल्टीमेटम दिया है। अभ्यर्थियों ने इसके साथ ही कहा है कि अगर 7 जून तक उनकी नियुक्ति नहीं होती है तो इसके बाद वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, अब के 13 जिले अनलॉक। कोरबा, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा में शराब दुकानें, जिम, ब्यूटी पार्लर, सुपर बाजार सहित ठेले, गुमटी खुलेंगे शाम 6 बजे तक के लिए छूट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, ऐसे में प्रशासन की ओर से जिलों को अनलॉक करना शुरू कर दिया है। कोरबा, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिला प्रशासन ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद शराब दुकानें, जिम, ब्यूटी पार्लर, सुपर बाजार सहित ठेले और गुमटी सब शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि जिलों में कुछ बंदिशें अभी भी लागू हैं। अब तक 13 जिलों में छूट बढ़ाई जा चुकी है। कोरबा जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सप्ताह में 6 दिन ही दुकानें खोली जाएंगी, रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। हालांकि कोंडागांव प्रशासन की ओर से ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, यहां 7 दिन दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि दोनों जिलों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना देश में 24 घंटे में 2.08 लाख नए केस, 2.95 लाख ठीक हुए, 4,159 की मौत। इस महीने 25 में से 13 दिन मौत का आंकड़ा 4,000 के पार रहा। बीते दिन देश में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। यहां मंगलवार को 2,08,714 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इससे पहले सोमवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख से नीचे पहुंच गया था। राहत की बात रही कि पिछले 24 घंटे में 2,95,085 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं मौत के आंकड़ों ने सरकार और लोगों के लिए चिंता बढ़ा रखी है। पिछले 24 घंटे में 4,159 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। मई महीने की बात करें तो बीते 25 में से 13 दिन रोजाना मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए 22,17,320 सैंपल टेस्ट किए गए। यह सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एक दिन किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 22 मई 21.23 लाख टेस्ट किए गए थे। देश में अब तक कुल 33.48 करोड़ सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बने रहिए दोस्तों, अगला ब्रेकिंग न्यूज है, पतंजलि के मालिक रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग, नई दिल्ली। पतंजलि के मालिक रामदेव ने जब से मॉडर्न साइंस पर सवाल उठाया है तब से देश भर में विरोध हो रहा है। उन्होंने अपने दिए बयान को वापस ले लिया है, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और फार्मा कंपनियों को खुला खत लिखकर 25 सवाल पूछे हैं। अब इसको लेकर IMA भड़क गया है। IMA प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। एसोसिएशन ने पत्र में कहा है कि वैक्सीनेशन पर गलत सूचना के प्रचार को रोका जाना चाहिए। उसने योग गुरु रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग भी की है। IMA ने अपने पत्र में कहा है कि रामदेव ने एक वीडियो में दावा किया है कि वैक्सीन की 2 डोज लेने के बावजूद 10,000 डॉक्टर और लाखों लोगों की मौत हुई है। एसोसिएशन ने मांग की है कि रामदेव पर देशद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। IMA एलोपैथी को लेकर दिए गए बाबा रामदेव के बयान से बहुत ज्यादा खफा है। IMA उत्तराखंड यूनिट ने रामदेव को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। उसने 15 दिन के भीतर माफी नहीं मांगने और बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से न हटाने पर बाबा के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है। विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन पतंजलि के मालिक रामदेव रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रामदेव का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं जो उन्हें गिरफ्तार कर सके। रामदेव ने आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। अगला बड़ी खबर है, परिजनों ने छोड़ा तो कानून का मिला साथ, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी जोड़े की कराई शादी।
दंपति बोले, पुलिस मारती ही नहीं साहब, प्यार करने वालों का घर भी बसवाती है। कोरोना संक्रमण काल में रोज ही पुलिस का सख्त और बुरा चेहरा ही सामने आ रहा है। कहीं लॉकडाउन में लोगों को पीटा जा रहा है तो कहीं ज्यादती हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस का काम चर्चा का कारण बन गया है। प्यार करने पर युवक युवतियों को उनके परिजनों ने घर से निकाल दिया था। उनके लिव इन रिलेशनशिप में रहने का पता मुंगेली जिले की पुलिस को चला तो दोनों की शादी करा दी। अब दोनों कह रहे हैं, पुलिस मारती ही नहीं साहब, प्यार करने वालों का घर भी बसाती है। जानकारी के मुताबिक सरगांव क्षेत्र के त्रिभुवनपुर निवासी भोला प्रकाश कुर्रे और गांव की ही रहने वाली कीर्ति घृतलहरे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन उनके परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। इस पर युवक युवतियों ने अपना घर छोड़ दिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसका पता परिजनों को चला तो उन्होंने दोनों का परित्याग कर दिया। इससे दुखी होकर दोनों गांव छोड़कर चले गए। इसी बीच युवती गर्भवती हो गई। वहीं इसके बाद कोरोना संक्रमण फैल गया। ऐसे में मजबूरी के चलते दोनों गांव लौट आए। यहां एक बार फिर दोनों के परिजनों ने उनका तिरस्कार कर दिया। इससे परेशान होकर युवक थाने पहुंच गया और पुलिस को सारी बात बताई। युवती से भी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दोनों की शादी कराने की जिम्मेदारी ले ली। परिजनों को समझाया और रीति रिवाज से कराई शादी। वहीं अगला अपडेट है, कोरोना की चुनौतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 3%। रायपुर। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों और लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को लगातार नियंत्रित रखने में सफलता मिली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI द्वारा 24 मई 2021 को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 3% दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय दर 10.8% से काफी कम है। इसके पहले माह नवंबर 2020 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.5% दर्ज की गई थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर का आंकड़ा हरियाणा, गोवा, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा की तुलना में काफी कम है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के कम प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मांग आने पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य मंजूर किए गए। वनांचलों में वनोपजों और तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य भी किया जा रहा है। लघु वनोपजों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 52 कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में देश में संग्रहित लघु वनोपजों में से 3/4 से अधिक लगभग 75% लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सहित कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन जरूरी, मुख्यमंत्री बघेल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 36 में बालको मेडिकल सेंटर के समीप अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा नवनिर्मित वेदांता केयर्स फील्ड अस्पताल का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस 100 बिस्तर वाले वातानुकूलित अस्पताल में 90 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त और 10 बिस्तरों में वेंटिलेटर की सुविधा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सहित कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन जरूरी है। यहां नवा रायपुर में अत्याधुनिक तथा सर्व सुविधा युक्त इस अस्पताल के शुरू होने से कोविड-19 के खिलाफ चल रही हमारी लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की सेवा का लाभ न सिर्फ राजधानी के नगरीय क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश इस समय वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। ऐसे हालात में कोरोना के खिलाफ जंग में बालको उपक्रम द्वारा बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज कराकर अत्याधुनिक कोविड फील्ड अस्पताल का निर्माण किया गया है। यह एक प्रशंसनीय कार्य है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ ने इस आपदा का डटकर मुकाबला किया है। कुशल रणनीति और सामाजिक सहयोग से बहुत जल्द ही कोरोना संक्रमण को नियंत्रित कर लिया गया है। आज छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर घटकर 4.8% तक रह गई है। नए मरीजों की संख्या में रोज कमी आ रही है। हमारे अस्पतालों में अब कोविड के हर मरीज के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध है। राज्य में शासन, सामाजिक संस्थाओं और औद्योगिक समूहों द्वारा चिकित्सा की अधोसंरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, 15,000 शिक्षकों की भर्ती कर रही सरकार, व्याख्याता के 2,000 पदों पर भर्ती संपन्न, रमन सिंह के ट्वीट पर शिक्षा मंत्री का पलटवार। रायपुर।
पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पलटवार करते हुए कहा है कि रमन सिंह बताएं कि अपने कार्यकाल में कितने शिक्षकों की नियमित भर्ती की। रमन सिंह के कार्यकाल में नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, कांग्रेस सरकार 15,000 शिक्षकों की भर्ती कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट नहीं आया रहता तो अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती। वहीं प्रदेश में व्याख्याता के 2,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तंज कसा है। रमन ने इस बार शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया है। पूर्व सीएम का आरोप है कि 14,580 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार झूठ बोल रही है। उनकी माने तो चयनित अभ्यर्थी मजदूरी करने के लिए मजबूर है। रमन ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार केवल झूठ झूठ और झूठ की बुनियाद पर कायम है। नेक्स्ट अपडेट है, काला दिवस पर निकला गुस्सा। छत्तीसगढ़ में किसान संगठनों ने जलाया प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का पुतला। खेतों, घरों और पंचायत भवनों पर लगाया काला झंडा। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने और केंद्र में भाजपा की सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर किसानों ने काला दिवस मनाया। छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ और घटक संगठनों ने जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला जलाया। वहीं खेतों में मजदूरों ने सिर पर काला कपड़ा बांधा। घरों और पंचायत भवनों पर विरोध का काला झंडा लगाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद जिलों में कई जगह प्रदर्शन की खबरें हैं। किसानों ने गांवों में अपने घरों के बाहर या पंचायत भवनों के बाहर प्रदर्शन किया, पुतला फूका और काले झंडे लगाए। कई जगह प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के साथ।